बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाही। उसके लिए सबसे पहले चाहिए चिकन। 1 kg मैंने चिकन लिया है। फुरदत मैंने हरी मिर्च ली हैं। हसब ज़रूरत गार्निश के लिए मैंने अदरक लिया है। 1/2 cup मैंने दही लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। 1 प्याज लिया है और इसको फ्राई कर लिया है। 1 tablespoon मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1.5 teaspoon मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 teaspoon मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1.5 teaspoon मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 tablespoon मैंने लेमन जूस लिया है। 1 tablespoon मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें चिकन ऐड करेंगे। दही डाल देंगे, अदरक लहसुन पेस्ट, लेमन जूस, काली मिर्च का पाउडर, नमक। अब हम इसे मिक्स करेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड किया है। इसके बाद टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को 10-15 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। चिकन डाल देंगे। मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चिकन हाफ फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। कटी हुई अदरक, गरम मसाला पाउडर, फ्राई किया हुआ प्याज, अब हम 15 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसको कवर करके रख देंगे।
15 मिनट हो चुकी हैं। चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चिकन कढ़ाई हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।